Students, we are starting relation and functions. Relation and function में सबसे पहले हम लोग आज relation के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो relation क्या होता है, इसके लिए आप सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में आता है द रिलेशन ए एंड बी बी द टू सेट देन द रिलेशन आर From set A to B is the subset of A cross B. This R is a relation from A to B. R is the subset of A cross B. Okay. अब जो मेन है हमारे पास A cross B को कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम लोग इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। ओके, ये दिया पहले है, लेकिन पहले आपको रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन के बाद इसमें जो कार्टेशियन प्लेन ए क्रॉस बी बताया गया है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनका ऑर्डर पेयर लेते हैं ए बी, जिसमें ए बिलोंग करता है कैपिटल ए को यानी सेट ए को, एंड बी बिलोंग करता है कैपिटल बी को। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे द एग्जांपल इज गिवन बिलो, फर्स्टली वी हैव टू गिवन वी हैव ए 1 2 3 बी एक्स वाई। इफ़ वी हैव टू स्टार्ट ए क्रॉस बी, अगर हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं तो देखेंगे पहले सबसे पहले जो सेट आता है वन, वन को एक्स के साथ, वन को वाई के साथ, ये दैट क्योंकि ए पहले लिखा है इसलिए वन पहले लेंगे, टू एक्स टू वाई, ठीक है, फिर थ्री एक्स थ्री वाई। लेकिन अगर जैसे ही हमारा बी क्रॉस ए आता है, बी क्रॉस ए में हम लोग एक्स पहले लेते हैं, वन टू थ्री बाद में, तो ये हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इनके आते हैं हमारे पास रिलेशन के डोमेन एंड रेंज। This is the domain. Let R be the relation from A set A to A set B. Then the set of all first components or ordinate of the order pair belong to the R is called domain of R. यानी कि जो relation, जिनका relation हो जाएगा, रिलेशन होने के बाद जो एक सेट में रहेंगे, यानी कि जो पहले नंबर पे रहेंगे, कोऑर्डिनेट जो पहला रहेगा वो कहलाएगा डोमेन। रेंज इसी का जस्ट अपोजिट है, रेंज में क्या करेंगे, बी वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहलाएगा रेंज। रेंज इज़ द आर इज सबसेट ऑफ बी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप ऑफ द रिलेशन है। रिलेशन तीन तरीके का होता है। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सबसे पहले ये होता है कि जो भी एलिमेंट दिया गया है वो खुद का उसके साथ रिलेशन बनना चाहिए, इसीलिए इसको लिखते हैं इफ़ एक्स आर एक्स फॉर ईच R X belongs to A, R is reflexive if X, X belongs to R forever, for all X belongs to A। जैसे अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको एक एग्जांपल, एक मेथड हम बताते हैं। जैसे हमारे पास A दे रखा है, तो A क्रॉस A हमने निकाला, ठीक है। तो A क्रॉस A में हमने कुछ रिलेशंस ले लिए, वो रिलेशंस ले लिए जो हमारे पास क्या दे रखे हैं, 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 3 4 4। दीज आर द रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव हैं, क्योंकि 1 A को बिलोंग करता है और 1 1 भी R को बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे X A को बिलोंग कर रहा है वैसे यहाँ पर 1 A को बिलोंग करता है और 1 1 भी बिलोंग कर रहे हैं R को। 2 A को बिलोंग करता है, 2 2 भी बिलोंग करते हैं R को। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सब में दे रखा है, तो इसलिए
इस तरीके का जो रिलेशन होगा वो आपको रिफ्लेक्सिव के टर्म में लिखा जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे अब ये इस तरह ना दिए हों, केवल ये दिया हो इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं टू इज़ इक्वल टू टू, ऑब्वियसली है कि रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि कोई भी नंबर अपने नंबर के इक्वल होता है। इज़ ग्रेटर देन, नहीं इज़ पैरेलल टू, अगर ए पैरेलल ए के हैं क्योंकि कोई भी लाइन अपनी लाइन के पैरेलल होते हैं। इज़ ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन वाला रूल नहीं लगेगा, क्यों, टू इज़ नॉट ग्रेटर देन टू, दो दो से बड़ा नहीं होता है क्योंकि इसमें एक ही नंबर लेने हैं और एक ही नंबर अपने में बड़ा नहीं होता है। कॉन्ग्रुएंट और इक्वल चूँकि सेम होते हैं इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, तो ये कॉन्ग्रुएंट वाला भी रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन परपेंडिकुलर इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोई भी लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू वाई एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब इसमें दो नंबर हम लेंगे, वी हैव टू टेकन टू नंबर्स एक्स एंड वाई, यानी एक्स का वाई के साथ रिलेशन हो और वाई का एक्स के साथ रिलेशन हो और दोनों ही आर को बिलोंग कर रहे हों। जैसे हमने एक ले लिया सेट 1 2 3, जैसे ही 1 2 3 ए क्रॉस ए हमने निकाल लिया इतना, अब हमने रिलेशन वो लिए 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 1 का 3 3 1, 2 3 3 2, तो हम देख रहे हैं 1 2 बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स का वाई के साथ है और वाई का एक्स के साथ है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन इसमें पूरी तरीके से इम्प्लाई हो रहा है और ये कर रहा है। इसी तरीके इज़ ब्रदर ऑफ, यानी कि एक्स ब्रदर है वाई का, तो वाई ब्रदर है एक्स का, तो ये भी इसमें क्या हो रहा है, लागू हो रहा है, यानी कि ये भी इसके साथ काम कर रहा है। सिमेट्रिक फंक्शंस में ये भी, सिमेट्रिक रिलेशंस में ये भी ब्रदर वाला भी रूल फॉलो हो रहा है, इक्वल टू वाला भी रूल फॉलो हो रहा है, परपेंडिकुलर वाला भी रूल फॉलो हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। फिर आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक बिल्कुल सिमेट्रिक का ही रूप है, बस डिफरेंस क्या है, एक्स और वाई को इसमें बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन जो इसमें नहीं, पीछे हमने जो पढ़ा था, ग्रेटर देन इसमें बराबर हो जाते हैं, यानी ग्रेटर देन भी काम करते हैं, यानी ग्रेटर देन की वैल्यू भी फॉलो करती है और डिवाइड की भी वैल्यू फॉलो करती है। फिर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में तीन वैल्यू आ जाती हैं, अगर एक्स रिलेट है वाई से तो y का रिलेशन z से और z x का रिलेशन z से होना चाहिए। इक्वल टू के लिए रूल लगता है, अगर x y के इक्वल है तो y z के इक्वल है, तो ऑब्वियसली है x और z भी इक्वल होंगे। हमने ये एंगल लेके प्रूफ किया था कि अगर एंगल x y के बराबर है और एंगल y z के बराबर है तो इट मींस x z के बराबर होगा। लेस देन में भी यही रूल चलता है, तो जैसे 2 less than 5 है एंड 5 less than 8 है, 2 is also less than 8, तो ये तो अभी आप लोगों को केवल ये बताया जा रहा है। एक चीज़ और आती है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में जो अभी तक हमने पढ़ा है, सबसे पहला पढ़ा है रिफ्लेक्सिव, फिर आता है सिमेट्रिक, फिर आता है ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों वैल्यू एक में लाई कर जाते हैं, एक ये तीनों रूल एक में फॉलो हो जाते हैं, तो देखिए इसमें हम लोग करते हैं डिविजिबल में। डिविजिबल में हमने देखा r की वैल्यू ली, r को मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू निकाल के देखी, तो 2 is divisible by 2, 2 4, 3 3 4 4, तो इस तरीके से फ्रॉम गिवन रिलेशन स्टेटमेंट डोमेन एंड रेंज। अच्छा, ये तो हम लोग अभी डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है और इसका डोमेन अगर निकालना है तो 0 1 2 और रेंज के लिए 0 1 2। इस तरीके से हम रेंज के डोमेन और डोमेन किसी भी फंक्शन या किसी भी रिलेशन के डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ तक, अब जैसे डिवीज़न का दिया हुआ था तो हम लोग इसको डिवाइड वाले रूल से जब रखेंगे तो इस तरीके से ये डिवीज़न रूल को भी फॉलो करेगा। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताया जाए, ठीक है। बाकी तो आगे क्वेश्चंस को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोगों का क्वेश्चन